अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीइंग सोशल एक्टिविस्ट हम जहां भी जाते हैं तो आजकल ये शिकायतें मिल रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आजकल न दवाइयां हैं न उस तरह से इलाज वगैरह होता है। तो ये मतलब जो हेल्थ है वो एक बेसिक चीज़ है, अगर हेल्थ नहीं होगी तो लाजमी बात है फिर एजुकेशन भी नहीं होगी और फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जो सिंध गवर्नमेंट का हमारा जो हॉस्पिटल है जो इब्राहिम एद्री में है उसकी ये शिकायतें हैं, ये वाकई में लोगों की जायज़ शिकायतें हैं। आजकल जो है ना कोई वहाँ दवाई मिल रही है ना डॉक्टर जो है सुना है कि वहाँ वक्त पे आते हैं। तो हम खुद जो जो लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हम इंशाल्लाह इसका कल या परसों विज़िट भी करेंगे, इसकी हालत भी देखेंगे कि भाई इतनी बड़ी तब्दीली जो है नेगेटिव तब्दीली कैसे आई है। तो जो इश्यूज़ हैं हमारे अस्पताल के हम मेन तो ज़िम्मेदारी जो हमारे जो है यहाँ नुमाइंदे जो हैं एमपीए हैं या एमएनए हैं या हम कादर पटेल से भी कहते हैं कि इस मसले पर खुदा रा तवज्जो दें। हेल्थ हमारा बेसिक इशू है और सेहत हमारी नीड भी है, हमारी ज़रूरत भी है। तो आप आएँ हॉस्पिटल, हो सकता है कि हम गलत भी हों कि ऐसे ये जो है अपने वो चमका रहे हैं, लेकिन आप मैं इनसे गुजारिश करता हूँ एमपीए से जानेर जामर से भी और एमएनए से भी और कादर पटेल से भी स्पेशली कि वो आएँ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में यहाँ आके विज़िट करें कि क्या मसले हैं। जो माहिगीर लोग हैं जो आजकल शिकायतें कर रहे हैं कि भाई यहाँ इलाज नहीं हो रहा, तो वह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक बात और भी मैं कादर पटेल या हमारे जो मुंसलिक इदारे वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इलाज बहुत महंगा हो गया है। हमारे इब्राहिम एद्री में ये जो हॉस्पिटल है ये बस एक वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ से चक्रा गोट के या आसपास के लोग भी यहाँ आते हैं इलाज कराते हैं। तो ये अगर बंद हो गया या इसकी अगर इस तरह से हालत हो गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएंगी। तो खुदा रा आप इन पर तवज्जो दें, हेल्थ पर जो है बेसिक जो हेल्थ है उस पर तवज्जो दें तो ये आप लोगों की मेहरबानी होगी और ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी बनती है, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी बनती है। कल को आप फिर इलेक्शन होंगे तो आप फिर अगर जाओगे वोटिंग के लिए तो फिर लोग कहेंगे कि भाई मसले नहीं कराते वोट के लिए आ जाते हैं। तो ये मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप लोग पहले से इन मसले को देखें और इस मसले को हल कराने की कोशिश करें। हम आपके पूरे इब्राहिम एद्री के लोग जो हैं आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी तो गोठ इब्राहिम एद्री 300 साल या 400 साल पुराणो तो इतने गरीब माईगीर रहन था, इतने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉस्पिटल भी आए स्कूल भी आए माशाल्लाह सही हलन पे आ, लेकिन कुछ अरसे का वी इब्राहिम एद्री हॉस्पिटल की हालत ख़राब थी वी तो मेहरबानी करे थोड़ी एमएनए एमपीए के खपे तो थोड़ी तवज्जो दीन इतने जे खास कर इब्राहिम एद्री जी सोशल जहन रखन था उन्हीं के खपे तो थोड़ो तवज्जो दीन हेल्थ के हवाले से तालीम के हवाले से ए बिल्डिंग तो ढी सुी बना दिनी असंके सिंध गवर्नमेंट वे माशाला सुठी बिल्डिंग आ, लेकिन उतने अमलो भी सही आ कम करे पो, लेकिन उन्होंने के मेडिसन या उतने जो जे ऑपरेशन जहाँ सहूलत न थन्द लेबोरेटरी सहूलत न होंगी तो कम को सकता तो मेहरबानी करें उनके तवज्जो दिनी वे। माजी में जो असो एमएनए रो हाजी मुजफ्फर अली शुजरा, हाजी मुजफ्फर अली शुजरा साहब बेहतरीन तरीके से विजिट भी कह स्कूल अस्पताल माशाला सही इतने इंद हफ्ते में 15 दिन में विजिट कर डॉक्टर की कड़ी चीज़ जरूरत आए तो उनके प्रोवाइड कि हो तो मेहरबानी करे जे हेर जे पीपल्स पार्टी इलाको आई मेहरबानी करे पीपल्स पार्टी जो हमलो इनके गुजारिश था करूँ तो इतने तवज्जो दिनी वे। मेहरबानी।